इस वीडियो में जो भी आपको चीज़ दिखाई जाएगी, जो भी आपको मैटर दिखाया जाएगा, उसकी 100% गारंटी नहीं है। लगभग इसी तरीके का आएगा प्रीवियस ईयर के आधार पर, ठीक है ना। तो बस देखते रहिए वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो यार, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें पता चल सके कि जो हमारी NVS LDC की जो टाइपिंग आएगी वो किस तरीके से आएगी, किस तरीके से हमें जो है मैटर मिलेगा, स्क्रीन पे मिलेगा या पेज पे मिलेगा जो है। और ये तो आपको मालूम चली गया होगा कि एडमिट कार्ड मिलेगा, स्क्रीन पे मिलेगा। तो किस तरीके से हमें जो है हमारी टाइपिंग होगी, वर्ड किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से मतलब पैरा होगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी, कितने क्या, तो पूरा ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग ऐसी ही टाइपिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये NVS के लिए भी है, KVS के लिए, CBSE टाइपिंग, या कोई भी या क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता है ना अपना, तो उसके लिए भी है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल मैं इसमें करके दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आप पल पल की जो अपडेट है उससे अवगत रहें, और NVS से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर दी जाती है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए मैं अब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आखिर कैसे कैसे जो है आपकी टाइपिंग होती है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप फ्रेंड आप देख रहे होंगे, मैं अभी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको देखिए कुछ ये एक्सरसाइज दिख रही है, और नीचे देखिए, नीचे देखिए मोस्ट ऑफ दी एग्ज़ाम आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर CR पे। तो आपका जो NVS LDC होने वाला है वो मोस्ट ऑफ एग्जाम में आएगा, जिसका जो मैटर है वो कुछ इस तरीके से हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा है मैटर टू टाइप इज गिवन ऑन अपर हाफ पार्ट, ठीक है। तो ये मैटर है, मैं इसको टाइप करूँगा। यहाँ पर आपको जो है 10 मिनट्स दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी हिंदी की है तो आप यहाँ पर जाके इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर टाइप टेस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पर आपके राइट वर्ड्स रहेंगे, यहाँ पर 0 मिस्टेक। बट आपका जो NVS का सॉफ्टवेयर रहेगा वो कुछ इस तरीके का नहीं रहेगा, बट इसमें जो पैरा आएगा ना वो कुछ इस तरीके का, इसमें बहुत बड़ा पैरा आता है, पर आपका जो पैरा हुआ लगभग इतना हुआ, बस इतना, इतना इससे ऊपर नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पीडोमीटर दिखाता है, ठीक है। मैं अभी जो है आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा। नीचे आप दिख रहे होंगे मेरे पास दो दो तरीके के कीबोर्ड रखे होंगे। ये मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि वहाँ पर आपको पता नहीं है कौन से टाइप का कीबोर्ड मिलेगा, तो मेरे पास दो दो तरीके, एक छोटा सा एक बड़ा। हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करके आना, अगर आपके पास भी है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी ये टाइपिंग स्पीड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 कैरेक्टर्स बराबर 1 वर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये दो मेथड से टाइप होता है, तो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको पूरा टाइप करके फिर आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट आपका कैसे बनता है। तो चलिए मैं करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी टाइपिंग। तो आपको स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल धीरे धीरे करना है, जब आपके 1 से 2 मिनट हो जाएं फिर आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। तो मैं देखिए आपको ये दिख रहा होगा, देखिए जैसे ही मैं बार टाइप कर देता हूँ वो ब्लैंक हो जाता है, मतलब वो ब्लर हो जाता है वहाँ से, और जो मैं कर रहा हूँ टाइपिंग वो देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैं टाइपिंग करके आपको अभी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। जो आपका NVS का सॉफ्टवेयर रहेगा वो कुछ इस तरीके का नहीं रहेगा, उसमें जो वर्ड होगा आपका हाईलाइट हो रखा होगा येल्लो वर्ड से, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइप रहेगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बस ये पैरा इसी तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो पूरा करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है 30 सेकंड बचे हैं, मेरी जो टाइपिंग है वो कम्प्लीट ही होने वाली है, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा, मैं इस तरीके जो अभी रिजल्ट बन के आएगा वो किस तरीके से आएगा कुछ, ठीक है। ये रुक गया है यहाँ पर, पता नहीं क्या हो गया इसको, आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको दो मेथड दिख रहे होंगे, रिजल्ट 1 करके, इसमें जो 1 वर्ड आपका 5 की स्ट्रोक यानी कि 5, जब आप लेटर टाइप करेंगे तब आपका जो है 1 वर्ड आएगा। इसमें देखिए मेरी स्पीड है 47.3 और एक्यूरेसी आपको दिख रही होगी 97.5। मैंने जो है 12 गलतियाँ की हैं और एरर हिट्स किए तो मैंने 60, जिसको ब्लैंक स्पेस से मैंने सही कर लिया था, पर गलती मेरी 12 हुई थी, ठीक है। तो 47.5 है 97.3। इसके बाद दूसरा मेथड दिख रहा होगा आपको, जिसमें ब्लैंक स्पेस इज अ बर्ड, ब्लैंक स्पेस जो होता है उसको एक बर्ड बर्ड माना गया था, उसको हटा दिया गया था, इसमें उसमें काउंट किया गया था। तो इसमें देखिए 12 गलतियाँ थी, 487 वर्ड थे, बट 12 गलतियों को हटा के 475 बचेंगे। जो मेरी स्पीड है वो 47.5 है, वो बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये घट भी आती है, ये जो आपकी है वो घट बढ़ जाती है, आपको ये मैटर करता है कितनी आपने ज़्यादा गलतियाँ की हैं कितनी कम। अगर आप ज़्यादा गलती करेंगे तो ये घट के आपकी गिर जाती है लगभग 40 के समथिंग, 30 के समथिंग, 10 10 10 तक गिर जाती है, 10 तक माइनस हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये दिख गया होगा। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि NVS में कैसी टाइपिंग आती है, बट इसी तरीके का मैटर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए जो मेरी 47.1 ऊपर दिख रहा होगा और नीचे देखिए आपको 44.0 दिख रहा होगा। चलिए एक और दिखाता हूँ मैं। तो देखिए इसमें 48.1 है मेथड 1 से, जब मेथड 2 से देखेंगे तो 46.9 है। चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए मेरी 15.2 है अगर मेथड 1 से जाएँ,
तो मेथड टू से जाएंगे तो 43.6 है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो स्पीड है वो मेथड अगर टू से कैलकुलेट होगी वहाँ पर, तो आपकी स्पीड कुछ कम होकर दिखेगी, 10 नंबर तक ये गिर सकती है। मेरे यहाँ पर 7 नंबर तक गिर चुकी है, ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्पीड है वो 10 नंबर तक गिर सकती है, तो इसलिए कम से कम आपकी स्पीड 45 तक होना चाहिए, 40 46 तक। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल जो NVS में टाइपिंग आएगी वो लगभग। तो देखिए फ्रेंड, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ NVS में किस तरीके का मैटर, उसी जो मैंने पहले दिखाया था उस तरीके का मैटर हुआ। बस टाइपिंग जब आप करेंगे तो किस तरीके का मतलब आपको चल रहा हो। देखिए ये हाईलाइट वर्ड है, तो इसको मैं टाइप करूँगा जैसे ही देखना तो ये हरा हो जाएगा, तो इस तरीके का हरा हो जाएगा आपको जब टाइपिंग करेंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए मैं इसको गलत कर देता हूँ, तो जैसे ही गलत किया तो ये रेड हो गया, ठीक है ना, तो आपको दिख जाएगा। और उसमें क्या होगा कि आप इसमें तो करेक्ट नहीं कर सकते, बट जब आप टाइपिंग देंगे तो आप ये कर्सर जो है इसको कहीं पे भी ले आएंगे और वहाँ से उस वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं आपका गलत हो गया तो। ठीक है, तो देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। 52 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड है। की स्ट्रोक देखिए यहाँ पर 273 है। एक्यूरेसी 93.7 है। रॉन्ग वर्ड्स मैंने दो किए और करेक्ट वर्ड जो मेरे थे 49 थे। ठीक है, तो इस तरीके का आएगा आपका कुछ मतलब उसमें आपको हाईलाइट हो रखा हो जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपने देखा मैंने अभी आपको टाइपिंग करके दिखाई थी, कुछ इसी तरीके की आपको जो है टाइपिंग देखने को मिलेगी NVS LDC के एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो इसके मैंने जो पहला वीडियो दिखाया था उसमें जो मैटर दिया था यहाँ पर मैटर था यहाँ पर आपको टाइप करना था। ठीक है, कुछ इस तरीके का था। और मैंने दूसरी बार जब आपको दिखाया था तो दिखाया था कि किस तरीके से आएगा आपका मैटर। पहली बार मैंने मैटर दिखा दी किस तरीके से आएगा, दूसरी बार में हाईलाइट कैसे रहेगा, हाईलाइट बॉर्डर कैसे रहेगा, गलत होगा तो कैसे होगा, कैसे से उसको सही कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दिखाई। और जब रिजल्ट कैलकुलेट करने की बात आती है तो उसमें एक होती है आपकी ग्रॉस स्पीड और एक होती है नेट। तो नेट वाली जो है आपकी काउंट की जाती है। अगर मान के चलिए ग्रॉस आपकी आ रही है 40, तो नेट आपकी कट पिट के आएगी 37 भी आ सकती है, 36, ये आपकी इस स्पीड के ऊपर। अगर स्पीड ज़्यादा है तो 37 36, अगर थोड़ी कम है तो 33 के समथिंग, और ये नीचे भी गिर सकती है 30 के नीचे भी। अगर आपने गलतियाँ ज़्यादा की हैं तो ये नीचे भी गिर जाएगी, भले ही आपको 40 दिखा रहा हो बट वो बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर सकती है। तो स्पीड को बढ़ाते रहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइपिंग कीजिए। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आके बात कर सकते हैं। इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा, दी एग्ज़ाम हेल्पर के नाम से। बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और वहाँ पर हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप हमसे आके जुड़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए या वहाँ पर आके मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। तो यही वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, दोस्त का शेयर कर दीजिए और देखते रहिए दी एग्ज़ाम हेल्पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।